आप भी चले मेरे साथ जायंट टावर पर। जाए हैं जैद के दोस्त के घर। लाइक गोदी 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 में पराठा बटर दही टमाटर गोश्त और चावल। आई जस्ट केम अपस्टेयर के मैं ड्रामा देखूंगी। मम्मी को देख के कैसे भागी। अस्सलाम वालेकुम, कैसे हैं आप सब लोग? उम्मीद है आप सब लोग ठीक होंगे। चले आज कहाँ आए हैं? आज आए हैं जायंट टाइगर पे नहीं, और इस पे बहुत अच्छी डील्स होती हैं समटाइम। तो इधर से मैं गुजर रही थी तो मैंने कहा कि चले देखते हैं, कोई डील लगी हो तो आपको भी दिखाएंगे और खुद भी शॉपिंग करेंगे। देखें मिलती हैं कि नहीं। मैंने ये खोपे क्यों लगाए हुए बाहर? आज गर्मी अच्छी खासी है, अच्छी मौसम अच्छा है। खैर कंप्लेन नहीं करनी चाहिए क्योंकि जब गर्मी होती है तो हम कहते हैं बहुत गर्मी है, और अगर बारिश हो रही होती, आज बारिश नहीं हुई है तो फिर कंप्लेन है हमारी। लेकिन चले आप भी चले मेरे साथ जायंट टावर पे। इनके बाहर ही स्पेशल्स लगे होते हैं ज़्यादातर, कई दफ़ा लेकिन कई दफ़ा ऐसा ही होता है कि आप सस्ती चीज़ लेते हैं और फंस जाते हैं, एक दो धुलाई में ख़राब हो जाते हैं। लेकिन ये देखेंगे $10 की वर्कआउट शर्ट्स अच्छी लग रहे हैं मुझे। और आजकल बारबी का चल रहा है, पिंक पिंक पिंक। ऑनेस्टली ये तो मोटे हैं, गर्मियों के हिसाब से नहीं है, लेकिन आप देखें कितनी अच्छी प्राइस है $10 में। नाइस। और ये शॉर्ट्स हैं और टी शर्ट्स $12 ये अच्छी हैं गर्मियों के लिए। एक्चुअली इनमें से मैं शायद ले लूँ कुछ कलरफुल सी। ऑनेस्टली मैंने ये सोचा था मैंने शॉपिंग नहीं करनी, सिर्फ देखने आएंगे, एक्स्ट्रा ऑर्डनरी कोई चीज़ होगी तो लूँगी। सोचा तो यही था कुछ नहीं लूँगी, लेकिन ये स्लीपर्स देखें $10 के लगे हुए, लेकिन ये टाइट है थोड़ा। बहुत सारे कलर्स में है। इसका साइज़ मैं देखूँ, जो $20 का था अब इन्होंने $10 में लगाया, 6 है। अगर मैं 7 ले लूँ तो सही होगा। ये भी देख सकते हैं, ये बड़ा। वेल आई थिंक सो, इनके पास ये चीज़ें तो बहुत हैं, लेकिन मुझे जो है बेबी के कपड़े देखूं कैसे हैं, $12। लेकिन मुझे कुछ समझ में नहीं आया वैसे यहाँ पे अभी। नहीं, मैं गई अंदर 10 मिनट में वापस आ गई, क्योंकि मुझे कुछ ऐसा नज़र नहीं आया वहाँ पे। हर चीज़ थी, ज्वेलरी है, ग्रॉसरीज हैं। मेबी आज था नहीं कुछ, या वाकई आज मैं ख़रीदने के मूड में नहीं थी, मुझे कुछ समझ में नहीं आया। नेक्स्ट टाइम अगर वो सैंडल्स, हाँ मुझे पसंद ज़रूर आए थे, एक तो $10 इतने सस्ते थे और ऊपर से, लेकिन उनका जो बड़ा साइज़ मैं 6 नंबर छोटा था, जो कि सही भी लग रहा था पहना हुआ। उसके बाद जो क्या कहते हैं 8 नंबर था, वो इतना बड़ा लग रहा था, वो फॉर्म टाइप के मोटे मोटे चल रहे हैं ना, तो अजीब सा नज़र आ रहा था, तो फिर मैंने बॉदर नहीं किया लेने के लिए वो। तो हाँ, अच्छी हैबिट है कि अगर आपको कुछ पसंद नहीं आया और आपने नहीं खरीदा तो ये सबसे अच्छी आदत है मेरी क्या सबकी होनी चाहिए एक्चुअली। ऐसी कम ही होता है वैसे ऐसे कि हम जाएं और कुछ खरीदें ना, लेकिन आज वाकई कुछ अच्छा ऐसा नजर नहीं आया। चलें अब मेरे ख्याल मैं घर जाऊंगी, बहुत अकेले घूम लिया। ये देखो आप कितनी खूबसूरत लग रही हो, लुक ए कितनी प्यारी लग रही हो। बेल बॉटम में क्या हुआ? अंडा बनाए, अंडा खाए, चलो अंडा खाए। चीज इच्छी हो रहा है, चलो उतारो फिर, चलो चेंज कर, चलो कट इट लाओ। आ मैं काट दो इसके जो पीछे लगे मैं काटू। हाँ लाइक गोदी 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 में उठाओ बस इसको, क्योंकि इसको इच्छी जो होती है ना, इसके स्टिकर्स काटने होते हैं पूरे कपड़े में से, कहीं पे स्टिकर्स नहीं रह जाए, इच्छी इच्छी होता है, इच्छी इच्छी होता है। देखिए डबल फ्लावर लग सो गुड है ना, जरा जाए हैं जैद के दोस्त के घर। जैद तो नहीं है लेकिन मुझे कुछ काम था, मेरी भी दोस्त है वो, बहुत जमाने से जानते हैं, तो चलें देखें आप भी मिले वहाँ के। नहीं आना गोल बन लें दो, गोल बन लें दो, चलो ठीक है गोल बना लो फिर। देखें जी आज तो होगी पूरी डाइट हमारी, पराठा बटर दही अचार सारा कुछ। देसी क्यों हुआ?
जैद और पाली का शौक होता था किसी जमाने में आलू के पराठे खाने का। कुछ भी नहीं, जैद ने आना और पाली ने कहना पाजी आज पराठे ही खा लेने, पराठे बना लिया आलू। हाँ पाजी ते आप पराठे बहुत बना लेंदे ने, बिल्कुल जबरदस्त बने हैं, परफेक्ट। बहुत दही बहुत ज्यादा, थोड़ा कट कर ली, मैं अजे शुरू नहीं किया। मेरे पाली ने एक और बना के रख दिया मेरे लिए, मतलब मैं मना कर रही हूँ लेकिन मैं वाकई नहीं खाना। पाली आ जाओ तुसी प्लीज, पता की है आके इत्थे बैठ के खाओ तो फिर मैं मजा भी आया, मैं कल्ली खान नहीं अच्छा नहीं लगन। देसी बिस्किट चाय के साथ आज हो गया आज हमारा काम पूरा। चलिए आज बना रहे हैं हम टमाटर गोल, इसमें मैंने डाला है 2 करी पत्ते, 2 बड़ी इलायची और प्याज जा रहा है मीडियम साइज का। टमाटर गोश्त में टमाटर काफ़ी सारे जाते हैं तो 6-7 टमाटर और प्याज यहाँ पे थोड़ी सी भून रहे हैं, थोड़ी सी रेड हो जाएगी फिर इसमें मसाले डालेंगे, पहले टमाटर डालूंगी फिर मसाले डालूंगी। और ये ऐसी रेसिपी है कि आपके पास आपको कुछ भी समझ में ना आए फौरन बना लें, बहुत ईजीली बन जाती है। सारे मसाले आपने सारे इसमें डाले साथ में और फटाफट। के मसालों में जाएगा क्यूमिन पाउडर, टर्मरिक, जिंजर, चिली पाउडर, कोरिएंडर, गरम मसाला और सॉल्ट, नॉट द जिंजर पाउडर, जिंजर गार्लिक पेस्ट फ्रेश वाला डाल। दायरा करती है इस घर में है ना, और 3-4 मिनट ये मसाला भुन जाए तो फिर आपने गोश्त शामिल। ओके गोश्त गल गया है और बस अब इसको भुनाई हो रही है ताकि टमाटर और सब कुछ मिक्स हो जाए। तेज पत्ते मैंने निकाल दिए क्योंकि इनका फ्लेवर इसमें आ चुका। आखिर में हरी मिर्ची, धनिया और गरम मसाला इसमें शामिल करूँगा। और इसके ऊपर गरम मसाला डालें और स्टोव को बंद करें। मैंने खाना शुरू कर दिया था टमाटर गोश्त और चावल, उज़ैर भी नीचे खा रहा है। मैं आ गई अपना शो देखने के लिए, सना भी घर आ गई है, ज़ायरा के साथ लगी हुई है जो कुछ भी करने उसकी, और मैं मज़ेदार किस्म का टमाटर गोश्त खा रही हूँ। आज आपने क्या खाया कमेंट करके बताओ। आई जस्ट केम अपस्टेयर कि मैं ड्रामा देखूँगी और आपने आके अपने गाने शुरू कर दिए हैं। कौन सा गाना गा रही हो, सुना सुना है ज़ायरा, ज़ायरा जल्दी जल्दी नाराज हो गई। बंदा सोचता क्या है होता क्या है ये देखें। चलो सबसे पहले तो मेरे फ्रेश फ्लावर्स देखें, फ्रेश ले ली, स्मेल सो नाइस, इनकी स्मेल, इनकी जो खुशबू होती है थोड़ी सी डिफरेंट होती है, कई लोगों को पसंद आती है कईयों को नहीं पसंद आती। सना को आजकल ये बहुत पसंद है तो इसलिए वो लेके आई। खैर हुआ ये कि वो कहने लगे चलो आज हम दोनों जाके ग्रॉसरी करके आएंगे, आंटी ज़ायरा को रख लिया। मैंने कहा ठीक है लेके आओ ग्रॉसरी, वो जो आप बॉक्स देख रहे हैं ना वो टीवी ले आया सामान बेडरूम के लिए, तो मैंने कहा हाँ ठीक है लेके जाओ, ज़ायरा को मैं रखती क्योंकि रात हो रही, ज़ायरा का सोने का टाइम भी हो रहा मगरिब के बाद। तो उसामा का फोन आया कि मैं आजकल ऑटो कार्स हैं आपको पता है, चाबी रख दो गाड़ी ले जाओ। अब वहां जाके जब बंद की तो चाबी नहीं मिली, पता लगा चाबी जो उसकी कार की है वो यहाँ पे उसने अपने ऑफिस से आया था बैग में रखी वहीं पे रह गई। तो अब मैं और ज़ायरा उनको की देने जाएंगे तो इस तरह होता है कि वो ज़ायरा को छोड़ के जा रहे थे, अब ज़ायरा को मुझे लेके जाना पड़ेगा उनके पास। सो फनी थिंग्स हैपेंस। ये बताएं कि लिली किस किस को पसंद है, किस किस को पसंद है ये फ्लावर, फ्रेश फ्लावर, फ्रेश फ्लावर। मम्मी को देख के कैसे भागी